इन आरोप, आवाज के नाम पर वसूला गया रुपये। सफाई कर्मी की दबंगाई चरम सीमा को लांगी, जलभराव व कीचड़ से जूझ रहा है जनता। बहरेज रिसे ग्राम पंचायत परसपुर ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी तथा सफाई कर्मी मनमानी से आकृष्ट होकर हल्ला बोल गांव में हो रहा भ्रष्टाचार व ग्राम के सम्मिलित कर्मियों के प्रति आवाज बुलंद किया गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम प्रधान एक दबंग किस्म का व्यक्ति, ग्राम सभा परसपुर में ग्राम प्रधान की तरफ से एक भी विकास कार्य नहीं करवाया गया। ग्राम प्रधान द्वारा आवास के लाभार्थियों से खुले आम खुलकर 10,000 से लेकर 30,000 तक की वसूली की गई है, जिसके नाम सूची में अंकित है। उन लाभार्थियों से 5,000 शुल्क पहले से ही ले लिया गया और उनको अभी तक आवास मुहैया नहीं कराया गया। बात करें ग्राम पंचायत परसपुर के स्वच्छता के प्रति, तो उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी ही नहीं है। एक बार फिर बारिश होने के बाद हम ग्रामीणों को हफ्तों तक चप्पल हाथ में लेकर गांव को क्रॉस करना पड़ता है। नालियों की सफाई तो इस कदर हावी है कि पानी की मजाल ही क्या जो एक भी बूंद सड़क से नाली में उतर जाए। गंदगी इस कदर प्रभावित है कि ग्रामीणों को हमेशा कई किस्म की बीमारियां उत्पन्न होने का भय बना रहता है। ग्रामीणों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी स्वच्छ को कहीं ना कहीं नाकाम निशान ही नहीं है। राम मूरत की स्पेशल रिपोर्ट। ये आप किस गांव में रहते हैं? आप भगवानपुर पर। इसका मौजा क्या लगता है? मौजा परसपुर। आपको आवास शौचालय कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो आपने कहा है ग्राम प्रधान से? कहा 5,000 रुपया खा गए। अच्छा, ग्राम प्रधान ने आवास के नाम पर 5,000 रुपया आपसे लेकर खा गए। तो आपने कहा नहीं मेरा 5,000 वापस करो अगर शौचालय आवास नहीं दिया तो? अच्छा, उन्होंने कहा कि आपको घर मिलेगा, तो 5,000 रुपया आपसे ले लिए नगद। पहले पैसा ले लिया? हाँ, ले लिया। तो आपने शिकायत नहीं दर्ज की 5,000 आपने ले लिया है? आपने मुझे अच्छा प्रधान नहीं मानते, क्या कहते हैं प्रधान? बन जाएगा, घर बन जाएगा, पैसा भी देंगे। अच्छा, ग्राम प्रधान का नाम क्या है? सफीक प्रधान। कहाँ के रहने वाले? परसपुर के रहने वाले। किस विकास खंड में आता है ये गाँव? पोस्ट अमवा। जिला कौन सा लगता है? कामेश्वर प्रसाद। किस गांव में रहते हैं? भगवानपुर में रहते हैं। ये किस मौजे में आता है? परसपुर भगवान। आपको आवास या शौचालय मिला? आवास मिला है, शौचालय नहीं मिला। अच्छा, आवास में यहाँ के ग्राम प्रधान ने आपके पास से कुछ पैसा से लिया? 10,000 रुपया लिया। 10,000 रुपये लिया आपसे प्रधान? प्रधान से ये नहीं पूछा कि मुझसे 10,000 रुपये क्यों ले लिया? मैंने पूछा कि क्यों लिए जी, तो बोला 10,000 रुपया आगे खर्चा चलता। अच्छा, आगे हमने दे दिया। शौचालय मिल गया? नहीं मिला। शौचालय के लिए आपने ग्राम प्रधान? शौचालय के लिए पासबुक आधार कार्ड हमने उसको दिया, वो अभी तक नहीं दिया। अच्छा, नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया। ग्राम प्रधान क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। ये किस विकास खंड में आता है? बस ये परसपुर भगवानपुर। जिला कौन सा लगता है? जिला बहराइच। पोस्ट? पोस्ट मटेरा। रिसिया। हाँ, रिसिया। पोस्ट कहाँ लगता है? पोस्ट मटेरा। गाँव के निवासी हैं आप? भगवान भगवान। आपको आवास या शौचालय कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ 1,000 रुपया खा ली। अच्छा, प्रधान ने आपका 2,000 रुपया पहले ले लिया आवास के नाम? नाम पर नाम चढ़ा। क्या कहा प्रधान ने? किस बात को लेकर पैसा लिया? तो आपसे पूछा नहीं कि 2,000 कितने ले रहे हैं? विकास खंड क्या है? रिसिया ब्लॉक। जी सर, गांव का क्या नाम? भगवान। पोस्ट कहाँ लगता है? पोस्ट हमारा मटेरा लगता है। अमवा। मोस्टली मटेरा डाकखाना।